किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, वहां शासन नाम की कोई चीज नहीं। अभी आरजेडी के लोग आधा अधूरा शासन में है और कम यह स्थिति है जिस दिन पूरे तौर पे आरजेडी के लोग बिहार में सरकार में आ जाएंगे उस दिन बिहार की क्या दुर्दशा होगी इसकी कल्पना वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने 2005 के पहले वाली स्थिति देखी। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जैसा कि हमने कहा कि आज तक गड़बड़ करने वाले लोग हैं। भाई और मित्रों, इस इलाके में तो विशेष रूप से आप सब लोग देखते रहे, देखते भी रहे, भुगतते भी रहे। जब सत्ता में लालू जी थे उस वक्त लाठी में तेल पिलाओ रैली होती थी, लाठी में तेल पिलाओ, ठीक है। बीच में कुछ कमजोरी आई उनके अंदर, वो अपनी लाठी को लोग अंदर रख दिए, लेकिन फिर से अगर उनको ताकत मिल गई तो फिर से लोग लाठी निकालेंगे और फिर से लाठी का तेल पिलाने का काम करेंगे। तो किसके ऊपर लाठी चलेगी? लाठी कोई दूसरे के ऊपर नहीं चलेगी, लाठी चलेगी अति पिछड़ा समाज के लोगों के ऊपर, लाठी चलेगी गरीब गुरबा के लोगों के ऊपर, लाठी आरजेडी वालों के ऊपर नहीं, बाकी सब लोगों के ऊपर लाठी चलेगी। और लाठी जब कब चलती थी तो जेडीयू बचाने का काम करता था, इसलिए जेडीयू का समर्थन बिहार भर के लोगों ने किया था उनकी लाठी से बचाने के लिए। लेकिन आज जब जनता दल यूनाइटेड उनके पीछे खड़ा हो गया है तो कौन बचाने का काम करेगा जब लाठी चलेगी उनकी? तो यही राष्ट्रीय लोक जनता दल बचाने का काम। साई हॉस्पिटल चुन्नी छातापुर वार्ड नंबर 1 सुपौल, मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806777।